सुबह एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करेंगे ज्यादा जल्दी याद रखने के बेहतरीन तरीके। हाय एवरीवन, आई एम राजन चौधरी। जल्दी याद रखने के टिप्स क्या हैं एग्जाम में सफलता पाने के लिए? स्टूडेंट्स कई तरीके यूज करते हैं। अगर आप अपने सब्जेक्ट्स को बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो लेकिन फिर भी आप उसे बड़ी देर तक याद नहीं कर पा रहे हो, तो आज मैं आपको यहां जल्दी याद करने के इजी तरीके बताने जा रहा हूं जिनसे आप ज्यादा जल्दी याद कर सकते हैं। ज्यादा जल्दी याद करने का मतलब पता है क्या है? मतलब है कि आपका दिमाग में पड़ा हुआ जल्दी याद नहीं जाता है। तो इसके लिए आपको अपने दिमाग को साफ और स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। इसके लिए आज मैं मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कैसे करें जिससे आप ज्यादा जल्दी से जल्दी पकड़ करके या पकपड़ करके समझ सकते हैं, आइए जानते हैं जल्दी याद करने के कुछ टिप्स। दोस्तों, कई बार कुछ टास्क बहुत डिफिकल्ट होते हैं बिकॉज वो अनडिफाइंड होते हैं, जिसकी वजह से वो जो टास्क है वो बोरिंग हो जाते हैं। आप किसी भी टॉपिक के बारे में कितना ज्यादा फोकस हो ये आपका अटेंशन बताता है। अटेंशन के साथ साथ कॉन्फिडेंट का भी होना बड़ा जरूरी है। अगर आपको याद है मगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। इसके लिए क्या होता है, इसलिए आज मैं आपको ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूं जिससे आपको पढ़ा हुआ जल्दी याद होगा और आप एग्जामिनेशन में टॉप कर जाएंगे। मन को शांत करके पढ़े सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लॉन्ग टाइम तक स्टडी करने की जो इंस्टेड जो है वो थोड़े टाइम तक पढ़ें, बिकॉज ज्यादा लॉन्ग टाइम तक पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। जब तक आप पढ़े हुए को समझ नहीं पा रहे हैं उसको लर्न नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आप अपने पढ़ाई के तरीके को थोड़े थोड़े टाइम में बदलें। हमारा दिमाग जो है ना वो कुछ समय तक अच्छा काम करता है और बाद में आप जो भी पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में नहीं जाएगा। आप तो अपनी तरफ से पढ़ लेंगे लेकिन आपका दिमाग उसे नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए आप अपने पढ़ाई करने के जो सिलेबस है उसको थोड़ा थोड़ा समय दे करके पढ़ाई करें। अपनी पढ़ाई को एंजॉयमेंट वाला बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पढ़े हुए को जल्दी समझ सकें तो इसके लिए अपने पढ़ने के जो सिलेबस है उसको बड़ा आसान बनाएं, ना कि कॉम्प्लिकेटेड उसको बनाएं। बहुत से स्टूडेंट्स बस ये सोचते हैं कि मुझे ये टॉपिक याद करना है, तो करना है चाहे समझ कुछ नहीं आए। इससे चाहे वो टॉपिक आपको कुछ समय याद हो जाएगा लेकिन कुछ समय बाद आप इसे भूल जाएंगे। इससे आपको ये टॉपिक एग्जामिनेशन में भी याद नहीं रहेगा और साथ ही साथ आपका ये इंपॉर्टेंट टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। दिमागी खेल खेलें,
जितना फायदा हमें फिजिकल खेल खेलने से होता है, उसी तरह से दिमाग को साफ और तेज करने के लिए मेंटल खेल खेलना बहुत जरूरी होता है। इससे हमारा दिमाग बहुत फास्टली काम करता है। और होता क्या है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर, किसी भी प्रश्न का उत्तर हमारे दिमाग में जल्दी आता है। दिमागी खेल के लिए आप चेस, पजल्स, कार्ड्स, ये सब खेल सकते हैं। दिमाग को तेज करने के लिए आप मिल्क और बॉर्नविटा भी ले सकते हैं। अब क्लासिक म्यूजिक सुने। कुछ स्टडी से पता चला है कि क्लासिकल म्यूजिक हमारे दिमाग की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के काम में आता है, जिससे हमारे दिमाग में शांति के साथ साथ एक तेजी आती है। अगर आप पढ़ाई करने के थोड़ी देर बाद गाने सुने और फिर अपने टॉपिक को पढ़ें, तो इससे आपको बहुत फायदा होगा और आपका दिमाग जो है वो जल्दी से जल्दी याद करने में हेल्प करेगा। शांत जगह पर पढ़ाई करें, प्रॉपर पीसफुल जगह होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं वो आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए और आप अपने स्कूल में टॉप करें, तो इसके लिए एक इजी तरीका, अपने पढ़ाई आप शांत जगह पर करें। इससे यह फायदा है कि जो भी आप पढ़ेंगे आपके दिमाग में जल्दी से जल्दी जाएगा। आउटसाइड डिस्ट्रक्शन से आपका माइंड इधर उधर जाता है, जिससे हमारे पढ़ाई करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, कभी भी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने देना, बिल्कुल भी कम नहीं होने देना। जितना भी हो सके उसे बढ़ा करके रखें। अगर आप सोचते हैं कि ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, अगर ये होगा तो क्या होगा, इन दूरियों से बचें। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अपने दिमाग से सबसे पहले नेगेटिव सोच को दूर करें, जिससे आपके पढ़ाई में कोई डिफिकल्टी नहीं हो पाएगी और आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको जल्दी और आसानी से याद हो जाएगा। डायग्राम और फ्लो चार्ट का यूज करें। स्टडी से पता चला है कि डायग्राम के थ्रू हमारा जो दिमाग है वो जल्दी पढ़े हुए को पकड़ता है। अगर हम किसी टॉपिक को पढ़ें तो ये हमें ज्यादा दिनों तक याद नहीं रहेगा, बल्कि जिसे हम देखते हैं उसे हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं। इससे दूसरा फायदा है कि आप बोरिंग भी फील नहीं करेंगे और जल्दी ही अपने टॉपिक को याद कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पढ़े हुए को एक बार बिना कॉपी किए बोल बोल कर लिखें। इससे आपको पूरा टॉपिक अपने एग्जाम्स में याद रहेगा। अच्छी नींद सोएं। हमारी बॉडी के हर पार्ट को रेस्ट की जरूरत होती है, न सिर्फ आंख, हाथ, पैर, बल्कि हमारे दिमाग को भी आराम की जरूरत होती है। वो आराम तभी हमारे दिमाग को मिल सकता है जब हम
गहरी नींद सोएं। आज के समय में सोशल नेटवर्क्स के कारण बहुत से स्टूडेंट्स सही समय पर और डार्क स्लीप नहीं सोते हैं, जिससे इसका इंपैक्ट उनकी पढ़ाई पर पड़ जाता है। और जब भी अपनी पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो उन्हें नींद आना या टायर्ड फील होता है। इसका मेन प्रॉब्लम है कि उनका सही समय पर अच्छी तरह नहीं सोना। इसलिए दोस्तों, पढ़ने के लिए आपको नींद का विशेष जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रीक्वेंट ब्रेक्स में पानी पिए। हमारे शरीर को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए हमें इसे हाइड्रेट रखने के लिए ब्रेक में पानी जरूर पीना चाहिए। पानी से हमारे शरीर को नई एनर्जी मिलती है और हमारा दिल और हमारा दिमाग सही से काम करता है प्रॉपर। इसके अलावा अगर आप लेमोनेड पिए तो फिर और ज्यादा बेहतर है, और बेहतर है। मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छा करने की, कुछ नया करने की। थैंक यू सो मच।